वो फिर से लिस्ट बन रही है और हमें ये भी पता है कि लिस्ट इसलिए बन रही है। अब बस ये देखना है कि जब उम्मीदों पर पानी फिरता है तब अम्मा जी क्या करती है। हाँ निम्मी, बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रही है दादी। प्रीति दी, अभी ना अभी दादी के गैंग में, इससे उन्हें ये नहीं पता कि दादी उनके साथ बटरिंग क्यों करती है, पर दादी को भी नहीं पता कि भाभी कितनी चालाक है। हाँ निम्मी, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। नहीं चाहे दादी, क्या हुआ? आवाज अंदर ही अटक गई? संभालो संभालो अपने। देखो संजा का समय है, किसी को दिया बात की फिक्र ही नहीं, न बेटियों को न उनकी अम्मा को। बेटियां यहाँ कहानी सुनाने में लगी है, अम्मा वहां इंतजार में है अपनी बहुरिया का। समय सुन लिया? अरे हमें भी तो हमारी लिस्ट बनानी है, ई महीने की पगार से बहुत सारी खरीदारी करनी है, क्योंकि ई महीने रिया की भी पगार आएगी हमारे हाथ में। हवाई किले काहे बना रही है, ई लिस्ट बना के का होगा? ई लिस्ट तो ना ऐसे फट जाती है। माई लिस्ट तो ना गोबर हो जाएगी गोबर। हमें तो नमिता की बात में दम लग रहा है अम्मा, और हम भी बेवकूफ की तरह देखो तुम्हारे साथ लिस्ट बनाने में तैयार हो गए ना। सकाय बोल रही है? नहीं तो का झूठ बोल रहे हैं का? अरे अम्मा, जिस लड़की में इतनी हिम्मत है कि वो पूरी बिरादरी के सामने अपना दूल्हा बदल देगी, वो का इतनी सीधी होगी? वो तुम्हारे हाथ में तुलसी जी का पत्ता रख देगी, लेकिन अपनी तनख्वाह नहीं रखेगी। तू भी कहा है छोटी रानी की बातों में आ रही, चल चल बना तेरा लिस्ट, काका चाहिए। अरे अम्मा हम कह रहे हैं ना, हवा में फायर मत करो, कारतूस बेकार हो जाएंगे। कौन सा मुहावरा हुआ समझा? हम ये कह रहे हैं अम्मा कि तुम कान खोल के सुन लो, रिया अपनी तनख्वाह का एक हेला भी तुम्हारे हाथ में नहीं रखेगी। चाहो तो हम कोरट के कागज पे लिख के देने को तैयार हैं। ये बात पे तो लग गई तुम्हारे साथ हमारी शर्त। ठीक है, लगा लो शर्त। अरे जिस लड़की का बाप बिना उससे पूछे हुए चवन्नी का चूरन नहीं खाता, उस लड़की की तनख्वाह पे तुमने अपनी नजरें गड़ाई हैं? जानते हैं हम हैं, सूरज देवता सर पे है और भोलेनाथ सामने। अगर बहुरिया ने तनख्वाह हमारे हाथ में नहीं धरी ना, तो हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे गुलाम। ना गया हो भाई, पता पता ही नहीं बहुरिया का। हाँ का इलो पकड़ो और करो शाम तक इंतजार। हमने तो ऐसे खड़े रह के कभी तुम्हारा इंतजार नहीं किया, और तुम हो दोपहर से खड़ी हो यहाँ।
तो रहो खड़ी। देखो है? मान सम्मान ही नहीं बड़ों का, कोई जिम्मेदारी ही नहीं। पहले ही समझाया था ना तुम्हें, जब तक नहीं आती और दिया बत्ती नहीं होता तो डटी रहो यहाँ चौखट पे। भगवान क्या हो गया, अब क्या करें? अरे का हुआ अम्मा, बत्ती सी काहे दिखा रही हो? अरे पगली घोड़ी, तूने अभी तक हमें पहचाना नहीं, हम पत्थर घोल के पी जाते हैं, और या का चीज है? हमें तो जो लगता है वही बोल रहे हैं अम्मा। वैसे हम तो यही चाहते हैं कि बहुजिया तुम्हारे हाथ में ही अपनी तनख्वाह रखे। वैसे हमें उस दिन का इंतजार रहेगा अम्मा, जिस दिन तुम हमारी गुलाम बन जाओगी। क्या बुआ जी, दादी आपकी गुलाम बनने वाली है? इधर आ, अच्छा 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 अच्छा, ये है ना, ये बैठने का जो मूड़ा है ना, वो अगर हम तुम्हारे सर पर डाल दें ना, तो अब सुनना बोलना नाक कान सब बंद हो गया कि नहीं? पर दादी मुझे तो सब सुनाई दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है, ये मोड़े में काफी छेद है इसलिए। अभी बंद करते हैं, अभी बंद करते हैं। क्या? तुम्हारा सुनना देखना बोलना अभी बंद करते हैं। दादी रुक रुक, दादी रुक, आप गिर जाओगी, रुक, भागो मत, नहीं 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 नहीं, लगा दो, रुक, दादी और तेज कर दो, दादी पकड़ो। देखो जरा खुशिया भाभी ने कितनी ढील दे रखी है इसकी लगाम को, ए भगवान। अच्छा अम्मा हम अब चलेंगे हैं? वैसे हमारी प्रार्थना यही रहेगी अम्मा कि हम तुमसे सर हार जाए। जा, रिया अपनी तनख्वाह का एक ढेला भी तुम्हारे हाथ में नहीं रखेगी, चाहो तो हम कोरट के कागज पे लिख के देने को तैयार हैं।